आज हम बात करेंगे वाटर फ्लो स्विच के ऊपर। वाटर फ्लो स्विच क्या है, ये कैसे वर्क करता है और इसका यूज़ चिलर सिस्टम में क्यों किया जाता है, और साथ ही वाटर फ्लो स्विच से जुड़े हुए सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देंगे हम। वाटर फ्लो स्विच और इसे वाटर फ्लो स्विच क्यों कहा गया, तो वाटर फ्लो स्विच, फ्लो का मतलब होता है बहना और बहाना। चिलर सिस्टम में ये पानी के बहाव को सेंस करता है, जो पानी इंटरिंग और लीविंग में होता है, इसके बहाव को ये सेंस करके चिलर को कमांड देने के लिए रेडी करता है। वाटर फ्लो स्विच एयर कूल्ड चिलर और वाटर कूल्ड चिलर दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एयर कूल्ड चिलर में इवापोरेटर के आउटलाइन में लगा हुआ होता है, जिसको हम लिविंग वाटर लाइन कहते हैं। इवापोरेटर से जस्ट 2-3 फीट के बाद इसको लगाया जाता है, मैक्सिमम 1 मीटर के आसपास। एयर कूल्ड चिलर में एक वाटर फ्लो स्विच का यूज़ किया जाता है और वाटर कूल्ड चिलर में 2 फ्लो स्विच का यूज़ किया जाता है, एक कंडेंसर के लिए, एक इवापोरेटर के लिए। कंडेंसर में लिविंग वाटर लाइन में लगा हुआ होता है, साथ ही इवापोरेटर में भी लिविंग वाटर लाइन में लगा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे ये काम कैसे करता है। जब हम चिलर चालू करने के लिए प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप को कमांड देते हैं, चिलर चालू करने से पहले का प्रोसीजर है कि सबसे पहले हम प्राइमरी पंप को स्टार्ट करें। प्राइमरी पंप को स्टार्ट करने के बाद चिलर सिस्टम में वाटर फ्लो होना चालू हो जाता है। उसी वाटर फ्लो को बताने के लिए वाटर फ्लो स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी चिलर के डिस्प्ले में जा कर के आप पैरामीटर में चेक कर सकते हैं, इवापोरेटर में और कंडेंसर में, कि वाटर फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी आपकी वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा वाटर फ्लो स्विच, जो कि एयर कूल चिलर ट्रेन की RTAC में लिविंग वाटर लाइन में लगा हुआ है। अब हम आपको वाटर फ्लो का स्टेटस जो है वो दिखाने वाले हैं। ये आपकी डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ये ट्रेन चिलर RTSD का डिस्प्ले है, वाटर कूल चिलर है। आपको दिख रहा होगा इवापोरेटर फ्लो स्विच स्टेटस, फ्लो दिखा रहा है, मतलब चिलर के अंदर जो है वो वाटर की फ्लो हो रहा है। और जब भी हम चिलर चालू करने से पहले प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप, एयर कूल्ड अगर से चिलर है तो प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप से काम हो जाएगा, और अगर से वाटर कूल्ड चिलर है तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड कंडेंसर मोटर पंप भी जो है उसको भी चालू करना पड़ेगा। तो जैसे हम इन पंप को चालू करेंगे, चिलर सिस्टम में जो है वाटर फ्लो होना चालू हो जाएगा इवापोरेटर के अंदर, और वाटर कूल्ड है तो कंडेंसर के अंदर। फ्लो स्विच एक्टिव रहता है तो जैसे सिस्टम के अंदर वाटर फ्लो होगा, 6 सेकेंड के अंदर ये वाटर को रीड करके चिलर को बता देता है कि हाँ, हमारे अंदर जो है वाटर की फ्लो हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अगर से सिस्टम के अंदर वाटर फ्लो होगी तो वाटर स्टेटस में फ्लो दिखाएगा, अगर से नहीं हो रही है तो नो फ्लो दिखाएगा। और अलग अलग चिलर सिस्टम में अलग अलग तरीके के स्टेटस दिखाए जाते हैं, ज़्यादातर जो चिलर में है फ्लो और नो फ्लो दिखाए जाते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि वाटर फ्लो स्विच का इस्तेमाल चिलर सिस्टम में इसलिए किया जाता है, पानी फ्लो हो रहा है या नहीं सिस्टम में, इस चीज़ को बताने के लिए किया जाता है। अगर से हम बिना प्राइमरी सेकेंडरी पंप चलाए हुए अगर से हम चिलर को चालू करने के लिए कमांड देते हैं, तो ये वेट करेगा, वेटिंग फॉर वाटर फ्लो। जैसे ही पानी फ्लो होने लगेगा सिस्टम में, चिलर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। और फ्लो स्विच जो है वो चिलर सेफ्टी डिवाइस में भी आता है, क्योंकि सिस्टम में अगर से पानी फ्लो ना हो तो ये चिलर को जो है ट्रिप करवा देती। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत बार हमने देखा है बहुत सारे साइटों पे, कि चिलर चल रहा है अगर से वाटर लेवल लो हो गई या फिर किसी कारण अगर मोटर जो है वो बंद हो गया तो चिलर जो है वो ट्रिप कर जाती, इसलिए इसको सेफ्टी डिवाइस में भी काउंट किया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे वाटर फ्लो स्विच का चिलर में यूज़ क्यों किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम HVAC स्पेशली चिलर्स रिलेटेड वीडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।